एक बड़ी खबर आ रही है इलाहाबाद से। खबर यह है कि यूपी में बिजली संकट गहरा सकता है। जेपी ग्रुप के प्रयागराज थर्मल पावर प्लांट में 1320 मेगावाट की दो यूनिट्स बंद हो गई हैं और कोयले की कमी की वजह से ये यूनिट्स बंद हुई हैं और इस वक्त सिर्फ एक यूनिट से हो रहा है बिजली उत्पादन। दिनेश सिंह है हमारे साथ इस खबर पर। दिनेश, ये बिजली संकट कब तक रह सकता है और कौन कौन से इलाके हैं जो इससे प्रभावित रहने वाले हैं? देखिए, ये बिजली संकट तब तक रह सकता है जब तक कि यहाँ पर जो कोयले की सप्लाई है वो उसकी आपूर्ति पूरी नहीं होती है, क्योंकि यहाँ ये थर्मल यूनिट है, यहाँ पर जो कोयले की सप्लाई है वो सिंगरौली से होती है। सिंगरौली का जो नॉर्दर्न कोल फील्ड लिमिटेड की कंपनी है वो उनको सप्लाई करती है, लेकिन उसका कहना है कि उनके पास फिर कोयले की भारी कमी हो गई, इसकी वजह से वो कोयला नहीं दे पा रहे हैं। यही वजह है कि तीन में से दो यूनिट बंद कर दी गई हैं, एक यूनिट जो कोयले से नहीं चलती है केवल वही चल रही है। और इस पूरे पावर प्लांट की अगर बात करें तो बुंदेलखंड के आसपास का इलाका वहां पर ही सप्लाई होती है इसकी बिजली, और इलाहाबाद और मिर्जापुर मंडल के कुछ इलाके वहां पर सप्लाई होती है। तो निश्चित तौर पर इस सप्लाई का जो असर है वो उन्हीं इलाकों पर पड़ने वाला है। जी, शुक्रिया दिनेश पूरी जानकारी के लिए।